अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ चने की भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वीडियो में देखते हैं ये चने की भाजी कैसे बनती है। इसके लिए मैंने चने की भाजी ली है, देखिए इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर लें और पतीले को गर्म कर लें। ऑयल हीट कर देंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल अच्छे से गर्म होने लगा है, अब इसमें लहसुन कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे जो कि चॉप किया हुआ है, 5 से 6 लहसुन है। उसको अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ही ब्राउन करना है। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्राई होने देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे पेस्ट के साथ। 2 से 4 मिनट के लिए भूनना है हमें, चम्मच चलाते रहेंगे और घुमाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भूनते जाएंगे। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है और ये मसाला भून चुका है। और 2 मिनट के लिए भूनना है हमें। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और कुक कर लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसे भी अच्छे से मसालों में भून लेंगे, मिक्स करते जाएंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला में। अब हम इसमें चने की भाजी जो कि वॉश की हुई है वो ऐड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस की फ्लेम को हाई कर दें। हाई पे 5 से 10 मिनट के लिए भूनते जाएंगे और 5 से 10 मिनट के लिए लो कर देंगे गैस की फ्लेम को। आप चाहे तो इसे कवर करके भी बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं देखिए, और 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। देखिए इसका एग्जॉस्ट वाटर ड्राई कर लेंगे। लीजिए बनकर तैयार है चने की भाजी। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसे रोटी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ज्वार की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये चने की भाजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।